हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। साथियों, मेरे हाथ में आप देख रहे हो ये छोटी सी लेसन की कली है, लेकिन आपको देखने में ऐसा लग रहा हो ये बहुत छोटी सी चीज़ है, लेकिन ये हमारे जीवन रक्षक से कम नहीं है, क्योंकि इसमें ऐसी विशेषता पाई जाती है, ऐसे कंपाउंड्स पाए जाते हैं जो हार्ट प्रॉब्लम्स को ठीक करता है। यानी हार्ट में हमारी कोई भी समस्या, यानी हृदय में कोई भी समस्या हो तो उसको सही करता है, और बंद नसों को खोलता है, यानी हमारे अर्टरीज ब्लॉकेज होती हैं उनको खोलता है, और इसके साथ पेट में बहुत सारी समस्याओं को दूर करता है। जैसे पेट में बहुत गैस बन रही हो, पेट में बहुत एसिडिटी बन रही हो, तो ऐसे भी सही करने के इसके पास क्या है, क्षमता होती है, कैपेबिलिटी होती है। अब हम बात करते हैं गार्लिक फॉर हार्ट प्रॉब्लम्स, यानी लहसुन की पुती या फिर लहसुन हमारे हार्ट के लिए क्यों अच्छा है। तो आपको पता है लहसुन में ऐसे कंपोनेंट्स पाए जाते हैं जो हमारे हार्ट के लिए बहुत अच्छे होते हैं। तो हार्ट में जैसे क्या चीज़ अच्छा करते हैं, तो जैसे बीपी को रेगुलेट करते हैं, यानी बीपी यानी ब्लड प्रेशर को नियंत्रित रखते हैं, और इसके साथ में क्या है, कोलेस्ट्रॉल लेवल जो हमारा बढ़ा हुआ चल रहा है तो उसको भी ये नियंत्रित करके रखते हैं और मैनेज करके रखते हैं। आपको पता है बीपी हमारा तभी बढ़ेगा जब हमारे कहीं ब्लड वेसल्स में कोलेस्ट्रॉल का डिपोजिशन हो रहा है, मीन्स हमारी कोलेस्ट्रॉल बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, जिसकी वजह से हमारी जो आर्टरीज होती हैं, कैपिलरीज होती हैं, वेन्स होती हैं, उनमें क्या है, नैरो हो गई है, डिपोजिशन हो गया है कोलेस्ट्रॉल का, जिसकी वजह से बीपी कहीं ना कहीं बढ़ रहा है। तो बीपी बढ़ना कोई हमारी बीमारी नहीं है, लेकिन उसका डायग्नोस जरूर करना है, क्योंकि ये हमारी बीमारी होने का एक संकेत है। तो बीमारी होने का कौन से हो सकता है, जैसे हमारी बॉडी में कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ चल रहा है तो इसका भी कहीं ना कहीं रीजन हो सकता है ब्लड प्रेशर बढ़ने का। लेकिन लहसुन में दोनों विशेषता होती है, यानी बीपी को भी कंट्रोल करके रखता है और हमारे क्या है, कोलेस्ट्रॉल को भी नियंत्रित करके रखता है, जिसकी वजह से आपके हार्ट में बहुत सारी होने वाली प्रॉब्लम्स को बचा जा सकता है और उसको क्या है, स्मूथली हार्ट हमारा हृदय वर्क करता है। अब हम बात कर रहे हैं गार्लिक फॉर आर्टरीज ब्लॉकेज के लिए, यानी आर्टरीज ब्लॉकेज मीन्स क्या है, बंद नसों को कैसे खोलता है लहसुन, तो इसको समझ लेते हैं। तो ये हमारे क्या है, बहुत सारी रिसर्च इसमें हो चुकी है गार्लिक पर, बहुत सारे एविडेंस भी आ चुके हैं, क्योंकि गार्लिक में ऐसी प्रॉपर्टीज होती है लहसुन में जो हमारे क्या काम करता है, हार्ट के लिए बहुत अच्छा होता है। अभी डिस्कस किया था क्यों, क्योंकि ये हार्ट में हमारे क्या ब्लॉकेज हो रहे हैं, तो ब्लॉकेज को रोकता है, प्रिवेंट करके रखता है आर्टरीज में। तो कैसे प्रिवेंट रखता है, एक तो हमारा इसमें बहुत अच्छा फंक्शन होता है एंटी प्लेटलेट्स होता है, और दूसरा हमारा इसका बहुत अच्छा फंक्शन होता है वो है वैसोडाइलेटर होता है। एंटी प्लेटलेट्स मीन्स होता है ये हमारे क्या है, रक्त की जो कोशिकाएं होती है उनको चिपकने नहीं देता है, कह सकते हैं ये हमारे क्या है, ब्लड थिनर का काम करता है, जिसकी वजह से हार्ट में बहुत सारे प्रॉब्लम्स आने से बचती हैं, जैसे हार्ट अटैक होने से हमारी बहुत ज़्यादा प्रिवेंशन होता है। और दूसरा हमारा जैसे क्या है, वैसोडाइलेटर है, मीन्स रक्त की जो वाहिकाएं होती हैं जिसमें आ जाती है आर्टरीज आ जाती हैं, वेन्स आ जाती हैं, कैपिलरीज आ जाती हैं, तो इनके साइज को डाइल्यूट करता है, इनको फैला के रखता है। कभी कभी ये साइज हमारा सिकुड़ जाता है, जिसकी वजह से इनके में प्लेक का फॉर्मेशन हो जाता है और हमारे बहुत सारे अंग में ब्लड का प्रॉपर फ्लो नहीं हो पाता, जिसकी वजह से बीमारी देखने को मिलती है। खासकर हमारे क्या है, एक कोरोनरी आर्टरीज होती है जिसमें ब्लड की सप्लाई होती है हार्ट के लिए, तो उसमें नैरो हो जाती है, तो इसमें कभी कभी प्लेक का फॉर्मेशन हो जाता है। यही प्लेक के फॉर्मेशन वजह से हार्ट में अटैक आने स्टार्ट हो जाते हैं, हार्ट फेलियर होने संभावना बढ़ जाती है। तो इस ऐसी अवस्थाओं को दोनों अवस्थाओं को प्रिवेंट करता है और बचा के रखता है कौन, गार्लिक। तो इसमें दोनों ही कैपेबिलिटी होती है, एंटी प्लेटलेट्स का काम करता है और वैसोडाइलेटर का वर्क करता है, जिसकी वजह से हमारा हार्ट बहुत स्मूथली फंक्शन करता है। अब हम बात कर रहे हैं गार्लिक फॉर गैस एसिडिटी, ठीक है, यानी पेट में हमारे बहुत ज़्यादा गैस बनती है और एसिडिटी रहती है, तो उस कंडीशन में लहसुन हमारे लिए बहुत अच्छा है। क्योंकि अगर आपको ऐसी कंडीशन है, पेट हमारा इंडाइजेशन है, खराब रहता है, तो चाहे जैसे भी गार्लिक अपनी डेली लाइफ में जरूर बढ़ाएं लहसुन, चाहे आप सब्जी में इसको बढ़ा सकते हैं, इवन आप इसको भून के भी खा सकते हैं। और दूसरा, आपको सुबह सुबह खाली पेट 1 से 2 कली जरूर लें, जिसकी वजह से आपके हार्ट बहुत अच्छा रहेगा, पूरे शरीर में कहीं ब्लॉकेज नहीं बनेंगे और आपका पेट भी बहुत अच्छा रहेगा और जिसकी वजह से आपकी लाइफ बहुत हेल्दी बनेगी। तो ये थी, और इसमें जरूर अमल करिए और इसको कंसीडर करिए। आपने देखा होगा, हमको पता नहीं है, डॉक्टर के पास जाते हैं तो मेडिसिन फॉर्म में ही हम क्या वो ड्रग्स देते हैं। अगर आपको हार्ट से कोई प्रॉब्लम्स है, बीपी से कोई रिगार्डिंग प्रॉब्लम्स है,
तो डॉक्टर हमारे का वैसो डायलेटर ही मेडिसिन सजेशन करता है, तो उसमें कहीं ना कहीं एक्सट्रैक्ट हम देखने को मिल जाता है, क्या है गार्लिक का लहसुन का उसमें एक्सट्रैक्ट होता है। लेकिन दवाई खाने से बचिए, आप ये नेचुरल सब्सटेंस को इंटेक करिए। और जैसे हार्ट है, बीपी है, और भी बॉडी में बहुत सारे मेटाबॉलिज्म को सपोर्ट करता है, तो हमारी गार्लिक हमारे बॉडी के लिए, हमारे शरीर के लिए बहुत अच्छा है। तो सेशन में बस इतनी ही जानकारी आप तक पहुंची हो, तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, और मुझे मोटिवेशनल थम्स अप जरूर दीजिएगा। ओवरऑल वॉच करने के लिए थैंक यू, नमस्कार, जय।